तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तीन कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, आई होप, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दीजिए। तो गाइस, प्याज जो अभी कटा था ना, अभी हवा में चल रहा है प्याज, मेरे आँखों में लग रहा है, तो कोई नहीं, होता है। एक गाना सुनाओ। पलके झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं, बाहर झगड़े हो रहे और मैं गाने गा रही हूँ, इतनी बुरी बात है। वैसे भी तो क्या करूं, झगड़े करना अच्छी बात थोड़ी, मुझे नहीं शामिल होना झगड़े वगड़े में, मैं ऐसे ही हैप्पी हूँ। झगड़े करके कुछ मिलता थोड़ी है, दिमाग में टेंशन सिर्फ हो जाता है कि नहीं? सो गाइस, कम से कम एक घंटा हो गया होगा तब से वो उनका सब कुछ तोल रही हूँ, उनका, सॉरी कहना नहीं चाहिए, माने कि जो चल रहा है मैं वही बोल रही हूँ। माने गाली में क्या होता है, वो आपको कहेंगे, आप उनको कहोगे, तो यही चल रहा है बाहर। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं होता, सबके घर में झगड़े होते हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा सा बोल दूँ तो मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है, पता नहीं कैसे ढिशुम 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 चल रहा है। सो कोई नहीं, चलना दीजिए। और सो गाइस, आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। और जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जया यादव 2481, और सेम पिक जो है 909 पे लगा है, वही पिक मैंने इंस्टाग्राम पर भी लगाया है। तो आप लोग बहुत ही ईजिली मुझे ढूंढ सकते हैं, जैसे ही डाल के टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं और मुझे फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल करें, और जो नहीं चलाते वो भी चलाएं, मेरे लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, और मैं भी गाइस आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो मेरे मेहंदी का कलर जो है अच्छा नहीं आया है, क्योंकि कल मैंने लगाने के बाद तुरंत फेसियल कर लिया था, माने किसी और का दो फेसियल करना था, तो मैंने इसीलिए मेरे हाथ की मेहंदी जो थी उसको कलर नहीं आया है। देखिए फिर भी अच्छा है, और इधर भी चूड़ियाँ दिख रही हैं तो ठीक से दिख नहीं रहा है, बाद में दिखा दूँगी।